गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द रिविजन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ क्लास फोर्थ. सो चिल्ड्रन, हियर वी आर गोइंग टू हैव टिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वन इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ गिवन डेटा पिक्टोरियली इज. मीन्स एक आसान सा तरीका जिससे हम पिक्चर, ग्राफ, बार की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है पिक्टोग्राफ. ओके, सेकेंड, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मींस आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं, वो है रेक्टेंगल. थर्ड, विच ऑफ द फिगर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज को हम डिवाइड कर दें तो वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. जहाँ से लाइन खींची गई है, ड्रॉ की गई है, वहाँ से वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है या नहीं. जैसे यहाँ एक सर्कल है, हमने सर्कल बनाया, ये सर्कल के कितनी लाइन्स हैं जो सर्कल को इक्वल पार्ट में कर देंगी, तो उस लाइन्स को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. तो सारे इक्वल पार्ट्स हैं, तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ये बताना है, या किस किस में लाइन ऑफ सिमेट्री है आपको ये बताना है. जैसे हार्ट, हार्ट का इधर वाला साइड अनइक्वल है और इधर वाला साइड इधर वाला साइड स्मॉलर है, इधर वाला साइड लार्जर है. वैसे ही की का ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड अनइक्वल है. अब देखिए वी का इधर का साइड और इधर का साइड सिमिलर है, एच का भी दोनों साइड आमने सामने वाले सिमिलर है, तो हमारा आंसर है करेक्ट सी एंड डी. ओके, नाउ फोर्थ, हाउ मैनी 250 ग्राम शुगर पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 2 kg. 250 ग्राम्स के कितने शुगर के पैकेट लगेंगे 2 kg बनाने में. अब देखिए 250 ग्राम्स अगर 4 times मिला दें तो 1 kg होता है. ओके, अगर 8 times मिला देंगे तो हम 8 times मिला देंगे तो कितने kg होगा, 2 kg होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर है 8. नेक्स्ट, 9036 ml इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स. सो 9000 1 liter में होते हैं 1000 ml. ओके, सो व्हेन वी पुट द साइन, सो 1, 2 and 3, 1 सो इट बिकम्स 9 liter एंड 0.36 ml. ओके, सो दिस इज आवर राइट आंसर. Now next, 9 days, 9 hours is equals to how many hours? So 9 days and 9 hours make 225 hours. Okay? 1 day is equals to 24 hours. 9 days is equals to 24 into 9 plus 9 hours, so it makes 225 hours. Okay? Now the number of 50 rupees note in rupees 1000 is. अब कितने 50 rupees नोट इकट्ठा करेंगे कि हम 1000 हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कितने इकट्ठे करेंगे, 50 को डिवाइड करिए 1000 से. 0 0 यहाँ पर इसका कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10, 0s are, तो कितने आए 20, तो करेक्ट आंसर इज 20. नाउ 14/28 इज रिटन इन इट्स लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म मतलब हम कितना छोटा कर सकते हैं किसी नंबर को, तो देखिए 14/28, सो 2 7s are 14, 2 1s are 2, एंड हाउ मेनी 2 4s are 8. नाउ 7 1s are 7, 7 2s are 14. ओके, सो वी कैन राइट 1/2. दिस कैन बी इवन converted into lowest terms to 1/2. Okay children, so this is our answer. Now next, 7434 is divisible by 7434. Divisible किस से है, अब 4 किस कैसे डिवाइड होता है, अगर उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 का और 3 का कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि 7434 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 प्लस 4 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और हमारे 3 के टेबल में 18 आता है तो 83 से डिवाइड हो जाएगा. ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर डैश नंबर. सारे इवन नंबर 2 को छोड़ के कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट मतलब नंबर मतलब जो दो नंबर से मिलकर बने हुए हैं. जैसे 2 को छोड़ देता हूँ, 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या है, 4. तो 4 किससे बना है, 2 2 ज़ा 4, तो कंपोजिट नंबर हुए. ओके, 14 84 8,40,529 डिवाइडेड बाय 1,000. सो देखिए कैसे करेंगे, ओरली हम बिना सॉल्व किए 1,000 है तो 1, 10, 100, 1,000 इन चार नंबर को लेंगे तो 1,000 8 ज़ा 8,000. अब कितने बचे हमारे पास नंबर, रिमाइंडर बचेगा 4, 0, 5, 2, 9. तो हम क्या करेंगे, फिर से 4 से करेंगे तो कितना हो गया 4,000. अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, 5, 2, 9. तो इसका आंसर है हमारा करेक्ट. अब दो नंबर को कॉपी करने के लिए 0, तो हमारा आंसर है 8,840 और रिमाइंडर है 529. दिस इज आर आंसर. नाउ नेक्स्ट 28,542 राउंडेड टू द नियरेस्ट 1,000. तो अब देखिए 1, 10, 100, 1,000 1,000 पे ये नंबर आता है तो 1,000 के पास वाले नंबर को देखना है हमें. 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम राउंड ऑफ कर देंगे ये 1,000 को. ओके, तो 5 से ज़्यादा है तो 8 के बाद क्या आता है, 9, तो हम राउंड ऑफ करेंगे 29,000 में. ओके, नाउ नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 1s इन द प्रोडक्ट ऑफ 2,222 एंड 5 इज. अब ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 1s इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड 5 इज कितना होता है. अब देखो हमारा प्रोडक्ट 2,222 इंटू 5 करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11. अब ये पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 1s इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड 5 इज डैश. अब कितने बार है, तो देखिए 1 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 times, 4 times, तो हमारा आंसर है 4 times. लेटाइस मल्टीप्लीकेशन गिव्स प्रोडक्ट. अब लेटाइस मल्टीप्लीकेशन करने पर प्रोडक्ट कितना आता है, देखिए 3 2 ज़ा 6. अब इस नंबर को इस नंबर से, ओके, अब 3 4 ज़ा 12. ओके, अब यहाँ पर 5 2 ज़ा 10. अब यहाँ 5 4 ज़ा 20. ओके, अब हम जो सेम डायगोनल पे हैं उन्हें प्लस करेंगे तो कितना होगा, जब हम सेम डायगोनल को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा. अब देखिए डायगोनली नंबर को हम ऐड करेंगे, यहाँ है 0, 6 एंड 1, 6 प्लस 1 7, प्लस 0 इज 7. नाउ इधर देखिए 0 प्लस 2 प्लस 2 इज 4. नाउ यर 1 प्लस 1 इज 1. तो हम यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं, यहाँ का यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं, तो हमारा नंबर हो गया 0, 7, 4, 1. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर देखिए 5 प्लस 2 और आंसर है 3. सो 5 माइनस 2 इज 3. अब हम किसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड अप करेंगे. 3 प्लस 2 इज 5, 1 प्लस 1 इज 2, 3 प्लस हाउ मेनी इज 7, 3 4 5 6 7 4. तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 4. ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, 3 6 प्लस 3 इज 9, 8 प्लस 0 इज 8, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है 4. नाउ 16, द नंबर इज 899 मोर देन 10,083.
अब ये क्या बोल रहा है, इस 10,083 से 899 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं 10083 प्लस 899, सो 9, 10, 11, 12, सो 2 carry 1, 8 and 1 is 9, 9 and 9 is 18, 8 carry 1, 8 and 1 is 9, 0, 1, सो 10982 इज आर आंसर. नाउ फाइंड सी माइनस एल. अब ये रो नंबर नंबर है. सी मीन्स वॉट इज सी, सी मीन्स 100. ओके, नाउ L is 50. Now जो भी नंबर बड़े नंबर के पहले होते हैं तो वो ऐड अप हो जाते हैं, 50, 60, 70, 80. सो 100 माइनस 80 कितना होता है, 20. तो 20 कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 10 तो 20 हो गया. तो दिस इज आर राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ पेरीमीटर ऑफ फिगर इज डैश. तो पेरीमीटर इज, पेरीमीटर निकालने के लिए हम सम ऑफ ऑल द साइड्स. सो 4 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2. सो 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 4 = 12 + 4 + 2 = 14 + 2 = 16. सो आंसर इज 16. ओके, नाउ 16 वॉट सेंटीमीटर दिस इज. ओके, now 5 packets of 200 ml of juice are poured into jug. How much juice is there in the jug? अब 5 packet, कितने के थे 5 packet, 200 ml, मतलब एक packet था 200 ml का, तो 5 packet juice के jug में डाले गए. अब बताना है आपको कितने ml jug में juice है, तो कैसे करेंगे, 200 into 5, तो कितना हो गया 1000 ml. Now next, the cost of one ball pen is rupees 25. Now estimate the total cost of 42 such pens. One ball pen की price कितनी है, 25. अब कितनी की बतानी है, 42 की बतानी है. तो 25 into 42 करिए. So 25 into 42. So 5 2s are 10, 2 2s are 4, 1 5, 5 4s are 20, 0 carry 2, 4 2s are 8, 9, 10. So 0, 5, 0. So हमारा एक्चुअल कॉस्ट है 1040, लेकिन हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट चाहिए, तो 25 को राउंड ऑफ काय में करेंगे हम, 30 में, एंड 42 को राउंड ऑफ करेंगे 40 में. अब 0, 0, 4 0s are 0, 4 3s are 12. तो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो गई, हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गई है 1200. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज आवर आंसर. सो वी विल मीट इन द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट डे. टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड रिवाइज प्रॉपरली.